हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कल बताया था कि गोल क्या होता है, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना होता है, कैसे करना होता है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स की, मतलब गोल कितने तरीके का होता है, उद्देश्य आपका जो है, लक्ष्य जो है वो कितने तरीके का होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि दो तरह का गोल होता है। ठीक है, पहला शॉर्ट टर्म गोल्स, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या होता है, जैसे कि टेक अ क्लास, राइट माई रेज्यूमे, स्टडी, प्ले गेम एक्सेट्रा। जैसे कि आप क्लास करना चाहते हो, ट्यूशन करने जाते हो, तो क्लासेस कितना होता है, एक दिन का होता है, दो दिन का होता है, या एक घंटे दो घंटे का होता है, मतलब ये क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, आज की क्लास वाली खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिज्यूमे लिखना है, अगर आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, बायोडेटा बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पढ़ना है तो आप सारा दिन या सारी रात या 365 डेज तो नहीं पढ़ सकते ना, जब भी आप पढ़ोगे दो घंटे, चार घंटे, एक घंटे, जितना भी आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हो, नहीं पढ़ोगे ना। ठीक है, तो ये क्या है, आपके छोटे छोटे गेम है, शॉर्ट टर्म गोल्स है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन करने में तो जाहिर सी बात है कि आपको एक या दो दिन नहीं लगेगा, है ना, आपको कम से कम 3 या 4 साल लग सकते हैं। ठीक है, आप जिस हिसाब से पढ़ोगे उस हिसाब से आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर पाओगे। है माई ओन बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने में भी काफी लंबा टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं कि रातों रात आप बिजनेस खड़ा कर दो, नहीं, बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होता है, मार्केट देखोगे, लोकेशन देखोगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो देखोगे, किस तरीके का बिजनेस आप डालना चाहते हो, वो सारी चीजें आप जब रिसर्च करोगे तब तो आप बिजनेस डालोगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, गेट अ गुड जॉब, अच्छा जॉब पाना ही ये लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी तो आप जॉब करोगे, और पढ़ना एक दिन का तो काम नहीं है, है ना, पढ़ना क्या है, एक लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसीजर है, जिसको आप डे बाई डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तभी जाके आप एक अच्छी सी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने आपको पहले ही वीडियो बना दिया था, तो फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। All of us use communication skills when we use them at home with our family members, at our school or college with our classmates and teachers, in the workplace with our bosses and colleagues. ठीक है, कम्युनिकेशन हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, फैमिली मेम्बर से करते हैं, स्कूल में करते हैं, क्लासमेट से करते हैं, अपने टीचर्स के से कोई क्वेश्चन पूछना है तब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हमसे स्टडी करना होता है तब कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, on our computers when we answer emails and on the telephone we order pizza, in fact communication is the lifeblood of social as well as business world. ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर से ईमेल लिख रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हो, फेसबुक पे आप कुछ लिख रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। कंप्यूटर को आप जब लिखोगे तो आप मतलब क्या, आप एक इंसान होते मशीन से कम्युनिकेशन करते हो कि ये मेरा मैसेज है मेरे दोस्त तक, मेरे फैमिली मेंबर्स तक आप पहुंचा दो। ठीक है, टेलीफोन से भी आप कम्युनिकेशन करते हो, जब आप टेलीफोन उठाते हो तो आप मान लीजिए आपको पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, पिज्जा टेलीफोन से जब आप बात करोगे तभी तो आपका कम्युनिकेशन होगा ना, जब आप बात ही नहीं करोगे तो आप पिज्जा कैसे ऑर्डर करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एक लाइफ ब्लड है सोशल और बिजनेस वर्ल्ड दोनों के लिए। ठीक है, मतलब आइए कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी गिव, रिसीव और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है कम्युनिकेशन, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, अपने एक दूसरे की समझ को बताने के लिए, टू अचीव अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड, किसी तरीके का रिजल्ट अचीव करने के लिए, टू पास इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन सो दैट दे कैन टेक एक्शन। इन्फॉर्मेशन हम जब पास करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग तो कोई एक्शन लेता है,
ठीक है। सपोज मैंने आपको कल टास्क दिया कि आपको ये काम करके आना है, मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको कोई टास्क करना है, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गया कि आपको कल क्या करना है, उसी हिसाब से कल अपना होमवर्क आप करोगे ना। अगर मैंने आपको कोई मैसेज ही नहीं दिया, मैंने आपको लेक्चर तो दे दिया ठीक है, बट पता चला उसमें साउंड ही नहीं है, तो वहां पे टास्क हुआ नहीं हुआ, तो आप उसमें एक्शन क्या परफॉर्म करोगे ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक कम्युनिकेशन है ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लोगे। इट कैन इन्वॉल्व स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। कम्युनिकेशन में बेसिकली कुछ चीजों का यूज होता है, आप बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हो, सुन के कर सकते हो या लिख के कर सकते हो ठीक है। अभी आगे चलते हो, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, हम कम्युनिकेशन करते क्यों हैं ठीक है, तो आइए उस बारे में जानते हैं। वन माइट थिंक वी वुड ऑल लिव क्वाइट हैप्पीली विदाउट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, बट द आंसर इज नो। अगर आप सोचते हो, आप या कोई भी ऐसा इंसान जो सोचता है कि बिना बात किए या बिना कम्युनिकेशन किए हम इस दुनिया में बहुत ही खुशी खुशी रह सकते हैं, तो जवाब होगा कि नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि बिना बात किए किसी से रह सकते हो, बिना किसी से कम्युनिकेशन किए रह सकते हो, नहीं, चांस ही नहीं बनता है कि आप विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन सर्वाइव, नॉट पॉसिबल ओके। यू ऑल नीड टू कम्युनिकेट थ्रूआउट आवर लाइफ, कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ठीक है। हमको अपने पूरी लाइफ, जब तक हमारी लाइफ होती है तब तक हम कम्युनिकेशन करते ही रहते हैं ठीक है, और कम्युनिकेशन करना एक फंडामेंटल पार्ट है हमारी ह्यूमन लाइफ का। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए लाइफ को सर्वाइव करना या इस प्लेनेट पे रहना ही बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा ठीक है। लाइफ कुड बी अ लॉट इजियर इफ वी ऑलवेज नो एग्जैक्टली व्हाट अदर्स वर ट्राइंग टू से ठीक है। अगर आप लाइफ इजी कब हो सकती है, मान लीजिए जब आपका कोई फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो या आपकी वाइफ बहन हो, कोई भी हो, वो जब आप जो कहना चाहे आप उसको कहने से पहले ही समझ लो कि आपको भाई को क्या जरूरत है, आपके सिस्टर को आपकी कहाँ पे जरूरत है, क्या जरूरत है ठीक है। बिना बोले जब आप समझ लेते हो तो वहां पे लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्या प्रोसेस इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन करने में। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेंडर टू ट्रांसमिट अ मैसेज थ्रू अ सिलेक्टेड चैनल टू द रिसीवर ठीक है। कम्युनिकेशन में हमेशा दो पार्ट होता है, एक सेंडर का होता है और एक रिसीवर का होता है। मैंने मान लीजिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं हो गया सेंडर, आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप क्या हो गए रिसीवर ठीक है। चैनल क्या है आइए देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर अ चैनल दैट लिंक्स द सेंडर विद द रिसीवर ठीक है। मान लीजिए चैनल क्या है, चैनल सेंडर और रिसीवर को लिंक करता है ठीक है। द चैनल में भी है कंप्यूटर, टेलीफोन और टेलीविजन और फेस टू फेस कन्वर्सेशन ठीक है। अब वो चैनल क्या हो सकता है, या तो चैनल कंप्यूटर हो सकता है या टेलीफोन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है या आमने सामने हो सकता है या मोबाइल हो सकता है, कोई भी चैनल हो सकता है कम्युनिकेशन का। वन पार्ट डज नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ मैसेज, कोई भी एक अकेला इंसान मैसेज को समझ नहीं सकता ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको उसमें हमेशा एक सेंडर और एक रिसीवर होता ही होता है, कोई भी इंसान अकेले बात नहीं कर सकता है ठीक है। अगर कोई भी इंसान मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आप पास कर रहे हो वो क्लियर ना हो, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, अगर लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर देने का कोई मतलब नहीं होता ठीक है। जैसे उसी प्रकार जैसे आप किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से या कहीं पे भी आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो अगर आपकी बात किसी को समझ नहीं आई या सामने वाले की बात आपको समझ नहीं आई तो वहां पे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब थोड़ा बहुत तकरार हो जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं कि आपने जो कहा था मुझे समझ नहीं आया है ठीक है। वही एक चेन यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, इसको समझते हैं। सेंडर ने क्या किया, मैसेज को सेंड किया, मैसेज क्या हुआ, इनकोड हुआ, इनकोड होकर किस चैनल के माध्यम से गया, चैनल क्या है जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया ठीक है, इस चैनल के थ्रू होकर रिसीवर के पास गया, और रिसीवर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब कि आपने जो चीज भेजा है वो उसको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ठीक है। तो आई होप कि आपने ये सारी चीजों बड़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा ग्रुप में ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू।